हे गाइस, पिछली बार हमने लेवल 3 तक कंप्लीट किया था इस गेम को। हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं एक बार आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। ये प्ले किया, हमें क्या करना है, इसको ओपन करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने और वापस से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाला आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये लेवल 2 आ रहा है, ये बाद में हम कर देंगे कि कैसे सेट करना है वहाँ पर, या फिर शायद से मैंने यहाँ पे किया था, मैं देखता हूँ एक बार। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैंने मैन्युअली सेट किया गो टू स्टॉप 5 और नेक्स्ट वाले जो गेम है वो थर्ड की फ्रेम पे आता है यहाँ पे। ओके, सो ये जो ट्रेस है वो निकाल देता हूँ मैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अगला वाला लेवल करना है, तो मैं तब यहाँ पे प्ले करके यहाँ पे विच वन इज क्लोजेस्ट टू अस। ओके, इसमें से हमें ओके सो सिर्फ हमें क्लिक करना है वहाँ पे बस। ये मून के ऊपर क्लिक करना है, तो अस के यहाँ पे क्या दिखा है कि अस के साइड में या फिर क्लोजेस्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है। सो इसलिए ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट है, तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है। ये एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यह बादल हमसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, लेकिन यहाँ पे अस के साइड में कौन सा है तो मून या फिर ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हमें करना होगा। सो ऐसे हमें करना होगा कि देखते हम लोग, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स लेने होंगे पहले। तो मून ले लेता हूँ मैं इमेजेस, इसमें से हर बार हम जो भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि लेबल फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन ये वाला, और इसमें से छह तो ये कार्टून ड्राइंग या फिर कार्टून कर देते हैं। देखते हैं, जरा अच्छा होना चाहिए इसलिए मैं कार्टून लिख देता हूँ। तो इसमें से कार्टून पीएनजी मिलेगा तो और अच्छा रहेगा। ये देखते हैं, हाँ ये भी अच्छा है, इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। देन क्लाउड्स चाहिए हमें सिर्फ, क्लाउड्स तो इनमें से हम लोग ये भी बाद में लगेगा ना, ये भी डाउनलोड करके रख देते हैं, या फिर सिर्फ सन है वहां पे इसलिए मैं सन रखूंगा। यहाँ पे इसको ही ले देते हैं, फिर ऑलरेडी बना के रखा है हमने लेवल 1 में, वही यूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सन ले लेते हैं, अभी सन ओके। इनमें से ये जरा ज्यादा ही ये ठीक लगेगा, लेकिन ये पीएनजी नहीं है, ये तो हम वो बना देते हैं, सब कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पे आते हैं, ये हम यहाँ पे इंसर्ट फ्रेम कर देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, ये
या फिर सब जगह पे पहले मैं इंसर्ट फ्रेम ही कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे बाद में इंसर्ट की फ्रेम ब्लैंक की फ्रेम करना है वो हम सेट कर देंगे। इंसर्ट की फ्रेम, और ये तो फ्रेम वैसे ही रहेगा, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम। देन ये कौन सा है, ये एरोज पे एरो है, वो भी यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ मैं। इसका कलर चेंज, इसका नाम चेंज करना होता है हमें हर बार। तो ये ऑब्जेक्ट 3 हो गया, करेक्ट ऑब्जेक्ट। देन ये टूल्स, तो टूल्स को भी हम क्या करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। बाकी ये ऑब्जेक्ट्स है, सो ऑब्जेक्ट्स को हम निकाल देंगे, मतलब इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम निकाल दिया। तो बाकी उनको मैं लॉक कर देता हूँ, और ये जो मून बना है उसको सिर्फ हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको छोटा कर देता हूँ फिलहाल। और छोटा कर देता हूँ, और मैंने क्लाउड बताया था तो क्लाउड शायद से हाँ यहाँ पे बनाए हैं, तो यही उठा लेते हैं। ये क्लाउड उठा दिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए, कंट्रोल शिफ्ट वी। देन इसको मैं कन्वर्ट टू सिंबल कर देता हूँ, पहले ब्रेक कर देता हूँ इन सबको, कंट्रोल बी और कन्वर्ट टू, वो पीछे वाला भी सिलेक्ट हो गया उसके साथ साथ, कंट्रोल बी, और अभी इनको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल, और ये मूवी क्लिप रहेगा। सो ये एक ऑब्जेक्ट है, और एक सन, सन को हम क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे जाके ये कलर चूज कर लेता हूँ, अच्छा तो आउटलाइन भी रख देता हूँ, तो सिंपल सा बनाएंगे इसको मैं, कन्वर्ट टू सिंबल, और इसमें ये मूवी क्लिप ही रहेगा। देन यहाँ पे जाके मैं इसको ऐड फिल्टर कर देता हूँ, ग्लो, ग्लो मैं ये सेट कर देता हूँ, ठीक है, ये थोड़े वैल्यूज बढ़ा के हाई कर देता हूँ, हो गया। सो इन सबको हमें मूवी क्लिप करना है, ये इसको भी मूवी क्लिप करना होगा, कन्वर्ट टू सिंबल, ये भी मूवी क्लिप रहेगा, ये भी मूवी क्लिप है, और ये भी मूवी क्लिप है। सो यहाँ पे इनको मैं नाम दे देता हूँ, OBJ1 ऑब्जेक्ट 1, देन ये रहेगा OBJ2 ऑब्जेक्ट 2, और ये रहेगा OBJ3, ठीक है। आगे बढ़ते, अभी यहाँ पे जो लिखा है वो चेंज करना है हमें, क्या लिखा था, विच वन इज क्लोजेस्ट अस, क्लोजेस्ट टू अस, तो क्लोजेस्ट टू अस के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज, टेक्स्ट के ऊपर जाके चेंज कर देता हूँ, सॉरी गलत हो गया, हाँ विच इज द क्लोजेस्ट, टू अस, अस के क्लोजेस्ट में क्या है, सो अस के क्लोजेस्ट में ये ऑब्जेक्ट है, सिंपल था। एक्शन में जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ऐड इवेंट लिसनर, लिंक किसके ऊपर करेंगे हम, पहले OBJ1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर, देन
माउस इवेंट डॉट क्लिक, देन यहां पे क्लिक फर्स्ट फंक्शन, क्लिक फर्स्ट करके नाम लिख दिया और ई, ये हो गया। उसके बाद हाँ, और एक करना था हमें, यहाँ पे जाके इस टेक्स्ट को भी चेंज करना था। ये लेवल 4 अभी बना रहे हम, 4 हो गया। सो क्लिक फर्स्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करेक्ट वाला आना चाहिए। तो ये जो सिंबल है, कौन सा एरो, एरो एरो वाला, उसको उठा के ऊपर लेके जाना। जब क्लिक करेंगे तो ये प्ले होना चाहिए, लेकिन ये इसकी जो साइज है वो तो देखनी होगी, ये ज्यादा बड़ी हो रही है, इसको हमें थोड़ा और छोटा करना होगा। लेकिन इसको डुप्लीकेट सिंबल करते, नहीं तो बाकी में भी सेम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो डुप्लीकेट सिंबल, ओके। अभी अंदर जाएंगे हम लोग, डबल क्लिक करके फर्स्ट टूल लेना, थर्ड टूल से अंदर नहीं जा पाएंगे। तो डबल क्लिक किया और अभी अंदर से क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे, मूव कर देंगे यहाँ, हो गया। यहाँ पे भी वही सेम करना होगा। सो मैंने कॉपी किया, ये वाला डिलीट कर दिया, कंट्रोल शीट वी कर दिया, क्योंकि ये सिंगल की फ्रेम के ऊपर भी वही होना चाहिए। थिंक बाकियों के ऊपर क्या होना चाहिए, ये कैंसर वाला आना चाहिए। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ एरोज के की फ्रेम पे ही मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ये यहाँ पे। ओ फर्स्ट रूल से हमें मूव करना है एक्चुअली, और इसको डबल क्लिक करके इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर देते हैं। 31 सेकेंड तक क्या रहेगा, ये स्टिल रहेगा। सो इसको भी, ये जो सेंटर है वो उस तरफ निकल गया, मैंने डबल क्लिक करके सेट कर दिया। इसको भी मैं डबल डुप्लीकेट सिंबल कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे जाके मैं इसको छोटा कर देता हूँ ऐसे। अभी हम और एक काम करेंगे, ये रॉन्ग ऑब्जेक्ट जो है उसको हम टू कर देते, और एक्चुअली टू नहीं, इसका नाम ही चेंज कर देते, रॉन्ग टू, रॉन्ग वन एंड रॉन्ग टू, ऐसे कर देते। तो फर्स्ट रूल से ही करना, तभी ये ऑब्जेक्ट ऐसे अल्ट होल्ड रख के कॉपी पेस्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी हो जाएगा। सो ये रॉन्ग टू हो गया, इसको बीच में रख देता हूँ। अभी सिर्फ यहाँ पे जाना है, और जाने के बाद क्या करना हमें, सिंपल यहाँ पे हमें फर्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेगा यूजर, क्या होना चाहिए, करंट ऑब्जेक्ट 3 के अंदर प्ले होना चाहिए, बस सिंपल। सो ये डॉट प्ले प्ले होगा और वो अपने आप आगे चला जाएगा। इसकी सेम हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, टू ये 3 और ये इसका नाम क्या था, देखो इसका नाम रॉन्ग वन था। सो ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे
पेस्ट कर दिया रॉन्ग वन और यहाँ पे रॉन्ग टू। बस इतना ही करना था इसमें, कुछ गड़बड़ हो गई है, एरर आ गया, डुप्लीकेट हाँ डेफिनेशन ओके। सो ये जो फंक्शन का नाम है वो अलग अलग होना चाहिए, तो ये मैं यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ये करंट ऑब्जेक्ट, करेक्ट ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट कर देता हूँ पूरा का पूरा, कॉपी पेस्ट, ये रॉन्ग ओबीजे, रॉन्ग ओबीजे वन, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए टू, और ये भी टू। एक बार कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं, अभी भी वही आ रहा है क्योंकि पिछली बार भी हमने वही नाम दिया था रॉन्ग वन रॉन्ग टू करके ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट्स करके दे देता हूँ तभी ये अलग हो जाएगा। पिछली लेक्चर में हमने ये सेम नाम दे के रखा है, अभी देखते कंट्रोल एंटर करके, अभी नहीं लग रहा कि कोई एरर आ रहा है, एक बार मैं प्ले करूँगा, लेकिन ये प्ले होगा तो तब ये कहाँ पे जाना चाहिए, सिक्स पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे हमें सेट करना होगा ये सिक्स, कंट्रोल एंटर करके देखते हुए प्ले करता हूँ। ओके, कैन नॉट एक्सेस प्रॉपर्टी मेथड नल, फ्रेम नंबर सिक्स, फ्रेम नंबर सिक्स लेके कंटिन्यू करके देखते हैं, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, गड़बड़ हो गई है कुछ, देखना होगा, देखते क्या हुआ है। यहाँ पे आप कंसोल में भी देख सकते हो गड़बड़ हुई है, सो कोई ऑब्जेक्ट उसको नहीं मिल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है उसका नाम तो एटलीस्ट आना चाहिए था। तो फ्रेम नंबर सिक्स और उसके अंदर फर्स्ट लाइन, ठीक है, मूवी क्लिप गो टू एंड स्टॉप, ओके, सो वो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है उसको। हाँ, तो पता चल गया प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैंने क्या किया था गड़बड़, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना इनको मैंने सिर्फ ओबी वन ओबी टू और ओबी थ्री ऐसे नाम कर रख दिए, सो वो यहाँ पे मुझे चेंज करने हैं, ओबी जे नहीं, सो ओबी वन ओबी टू और ओबी थ्री। अभी देखते हैं कि एक बार कंट्रोल एंटर करके प्ले कर दिया, हो गया। अभी मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रॉन्ग आ रहा है, जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये करेक्ट आ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। और लेवल फोर आना चाहिए, सो लेवल फोर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो सेट लेवल है वो सेट करते हैं हर बार, सो कौन सा यहाँ पे सेट लेवल इक्वल फोर, लेकिन उसको डबल यूनिट कॉमा में रख देना है, प्ले करता हूँ, ये क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर देते, करेक्ट आ गया, ठीक है, तो लेवल फोर भी आ गया। तो कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, अभी के लिए इतना ही, बाय।